बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेक्शन 102 पाकिस्तान पिनल कोड। हम जो कर रहे हैं चैप्टर वो दैट इज जनरल एक्सेप्शंस, और आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज राइट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि हक के हिफाजत खुद इख्तियारी किन सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है, किन में नहीं किया जा सकता, किन ऑफेंसेस के अप्रिहेंशन की सूरत में किस हद तक किया जा सकता है, जान से मारने की हद तक किन सूरतों में किया जा सकता है वगैरह वगैरह। आज का हमारा टॉपिक है कि हक हिफाजत खुद इख्तियारी, इसकी कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस, यानी ये कब पैदा होता है, कब शुरू होता है और कब तक जारी रहता है। So, firstly, I read out the definition as provided by Section 102 Pakistan Penal Code. Commencement and continuance of the right of private defense of the body. The right of private defense of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have yet been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. Yani hak-e-hifazat-e-ikhtiyari ka shuru hona aur jari rehna, हक़े हिफाजत खुद इख्तियारी उसी वक्त शुरू हो जाता है, उसी वक्त ये हक पैदा हो जाता है। किस वक्त? जो इर्तिकाबे जुर्म की अटेम्प्ट कोशिश या थ्रेट धमकी किस चीज की, बॉडी को खतरा पैदा हो जाए, खदशा एप्रीहेंशन पैदा हो जाए, उसी वक्त पैदा हो जाता है। किस चीज का अप्रिहेंशन कि उसकी बॉडी के खिलाफ ऑफेंस कमिट होगा, इर्तिकाबे जुर्म होने वाला है, यह खतरा, यह खदशा पैदा हो जाए, माकूल खतरा। उस जो ही यह खतरा पैदा होगा उसी वक्त राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पैदा हो जाए, और यह उस वक्त तक जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक यह खतरा मौजूद है। अब डिफरेंट केस लॉज की सूरत में मैंने आपके लिए सर्च किए हैं ताकि प्रोपोजिशन बिल्कुल क्लैरिटी से क्लियर हो जाए, समझ आ जाए कंसेप्ट। हक़े हिफाजत खुद इख्तियारी उसी वक्त पैदा होता है जिस लम्हे हमला आवर से खतरा जान पैदा होता है, जान का या शदीद इंजरी का या ऑफेंस का किसी दीगर। अच्छा, इसके लिए यह कतन जरूरी नहीं है कि पहले इंतजार किया जाए कि वो हमलावर एसेलांट जो है वो हमला करे, इंजरी काज करे, जख्मी करे, हार्म पहुंचाए। कतन इसके लिए जरूरी नहीं है कि इसका इंतजार किया जाए। जब एक माकूल खतरा पैदा हो गया उसी वक्त राइट टू डिफेंड पैदा हो गया, तो एक्चुअल इंजरी का काज होना हमलावर के हाथों ये कतन रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। जब इसका एक खतरा खदशा पैदा हो गया उसी वक्त ये राइट पैदा हो गया, तो हमलावर को अगर पहले से ही फोरस्टॉल कर दिया जाए, रोक दिया जाए, जख्मी करके या जिस तरह से भी, तो अच्छा फिर जब हमलावर जख्मी हो जाए उसको कोई हक हिफाजत खुद इख्तियारी नहीं होगा। ही कैन नॉट क्लेम, एक मोटा प्रिंसिपल जहन में रखें, एग्रेसर है वो, हमलावर है वो, उसने आगाज करना चाह रहा है लड़ाई का, तो उसको कभी हक हिफाजत खुद इख्तियारी हासिल नहीं होता। दिस इज रिपोर्टेड एज PLD 1956 पिशावर 74 पेज है। हक हिफाजत खुद इख्तियारी बुनियादी तौर पर बेसिकली फंडामेंटली इज बेस्ड अपॉन थ्री मेन प्रिंसिपल्स, तीन बुनियादी
बंबुओं पर ये तंबू खड़ा है। नंबर वन, एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ फोर्स, कि ये हक हक की हिफाजत खुद इख्तियारी इस्तेमाल करते वक्त कितनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली बात। तो इस जमन में बात यह है कि जितनी अपनी बॉडी या किसी दीगर शख्स की बॉडी की हिफाजत के लिए जितनी ताकत का इस्तेमाल जरूरी है, गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल या इंतकाम की नीयत से या किसी दीगर मोटिव की वजह से वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिर्फ उतनी ताकत का इस्तेमाल करना है विच इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द डेंजर, टू अवॉइड द डेंजर, टू सेव द लाइफ, टू डिफेंड वन सेल्फ। नंबर टू, जब थ्रेट खतरा पैदा हो जाए थ्रेट से या अटेम्प्ट से, किसकी अटेम्प्ट या किसकी थ्रेट, एसेलांट की, क्या खतरा पैदा हो गया बॉडी को कि बॉडी के खिलाफ ऑफेंस कमिट होने जा रहा है, होने वाला है। दूसरी बात यह होगी, तो यानी दूसरी बात में अब आपने देखा कि अटेम्प्ट या खतरा थ्रेट धमकी, अब एक्चुअल ये नहीं जरूरी कि हमला हुआ है तो फिर आग पैदा होगा। जब हमला होने वाला है उसका खतरा पैदा हो गया है, थ्रेट पैदा हो गई है, उसी वक्त उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने का हक, इस्तेमाल करने का हक पैदा हो जाता है। एंड नंबर थ्री, हक के हिफाजत खुद इख्तियारी उस वक्त तक शुरू ही नहीं हो सकता जब तक के इसका खदशा या खतरा ना पैदा हो। किस चीज का, जान को बॉडी के खिलाफ इर्तिकाबे जुर्म का खतरा ना पैदा हो जाए, माकूल रीजनेबल एप्रिहेंशन। तो इन तीनों पॉइंट्स पे जजमेंट नोट फरमाया इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, पीएनडी 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज 1208। सेक्शन 102 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पीपीसी, इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर एंड इट इज नॉट एट ऑल प्यूनिटिव। ये प्रिवेंट करती है ऑफेंस को, प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर एक हर शख्स को शहरी कानून ने यह हक दिया है हर शहरी को, और ये प्यूनिटिवली इस्तेमाल नहीं की जा सकती सजा देने के लिए, रेट्रीब्यूशन के लिए, इंतकाम के लिए, उसके लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अब एक मुकदमा के फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा कि माकूल खतरा कैसे पैदा होता है। ये हालातों वाकयात से अखज करना है, इट इज ऑलवेज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब एक आदमी का दरवाजा खोल के नस्ली फसादात शुरू हो गए, कम्युनल रिएक्ट्स, एक आदमी का दरवाजा खोल के कुछ लोग अंदर घुस आए जबकि दूसरे दरवाजों को पीटा जा रहा था, दुकानें लूट ली गई, ये हालात है, दुकानें लूट ली गई। अच्छा, खबरें आ रही कि मुल्क का जो इलाका है करीब वाला, वहां पे बलवाइयों के हाथों कुछ लोग कत्ल भी हो गए। अब एक आदमी जिसको इन सारी बातों का पता है और उसका एक दरवाजा तोड़ के अंदर आ चुके हैं और बाकियों पे नाक हो रहा है, तो वो क्या अप्रिहेंड करेगा? रीजनेबल अप्रिहेंशन यही होगा ना कि आप मुझे मार भी सकते हैं, जला भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। लिहाजा जिस वक्त ये अप्रिहेंशन पैदा हुआ उसी वक्त उसको राइट टू डिफेंड पैदा हुआ। अगर उसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए राइट एक्सरसाइज किया काउंटर अटैक के जरिए, काउंटर एक्शन के जरिए, तो ही वॉज जस्टिफाइड, ये जुर्म नहीं होगा बल्कि इस्तस्ना में फॉल करेगा चैप्टर 4 की एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 102। सो दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट पेज 165 एंड 167। रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी,
सेक्शन 97 पीपीसी, ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है सेक्शन 96 से लेकर 106 तक, तमाम इवेंचुअलिटीज को ये डिफरेंट सेक्शंस हर तरह की सूरत हाल को डिस्कस करती हैं और अपने शहरियों को प्रोवाइड करती हैं, हक प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, सेक्शन 97 के तहत हर शहरी को, हर शख्स को ना सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हक हिफाजत खुद इख्तियारी हासिल है, बल्कि किसी दूसरे शख्स की जान बचाने के लिए भी यह हक हासिल है। और सेक्शन 102, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कब पैदा होता है, कब तक रहता है, तो वो आप जान चुके हैं कि जो ही खतरा पैदा होता है ये पैदा हो जाता है। खतरा, खदशा किस चीज का, एप्रीहेंशन किस, डेंजर, एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर किस चीज का, बॉडी को, बॉडी के खिलाफ ऑफेंस के कमीशन का। तो किन ऑफेंसेस का, जो ऑफेंसेस बयान किए गए हैं सेक्शन 100 पीपीसी में और 101 में। अब इस तरह बात नहीं बनेगी, 100 में क्या है ये भी क्लियर कर दें और 101 में क्या है। 100 में 6 किस्म के जराय बताए गए, 6। अगर उनमें से किसी एक जुर्म के इर्तिकाब का खतरा हो या हमला हो, किसी एक जुर्म के कमीशन का या हमला होने वाला हो, खदशा, तो जिसको ये खदशा है वो हमलावर की मौत तक काज कर सकता है, बहुत बड़ा हक है। अब वो कौन सी 6 सूरत हाल है, जब ये खतरा हो, नंबर 1 कि हमलावर उसकी जान ले सकता है, उसको कत्ल कर सकता है, या शदीद इंजरी काज कर सकता है। जब खतरा हो कि हमलावर रेप की नीयत से दाखिल हुआ है, जब खतरा हो कि हमलावर अननेचुरल ऑफेंस की ग्रेटिफिकेशन ऑफ लस्ट, बदफेली की नीयत से, जब खतरा हो कि एब्डक्शन की नीयत से हमला किया जाने वाला है या हो चुका है या होने वाला है, जब खदशा हो कि किसी शख्स को इलीगल कन्फाइन किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, कैद किया जाएगा, और वो इस काबिल नहीं रहेगा कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी या पब्लिक अथॉरिटीज तक रजू कर सके अपनी रिहाई के लिए, तो ये जो 6 सूरत हाल आए हैं इनमें हमलावर की मौत भी काज की जा सकती है, आप उसको ठोक सकते हैं। आजकल एक लफ्ज चल रहा है पाकिस्तान में, ठोक देना। अच्छा, अब 101 क्या है, वो कहता है कि अगर ये जो 6 जराइम है इनके अलावा, शॉर्ट ऑफ दैट, उनसे कम, उनसे नीचे, शॉर्ट ऑफ दैट कोई किसी जुर्म के एप्रीहेंशन का खतरा है, तो सिवाय मौत के कोई भी हार्म काज कर सकते हैं, सिवाय मौत के कोई भी हार्म काज कर सकते हैं। हार्म से मुराद फिजिकल इंजरी है, फिजिकल इंजरी। तो इन पॉइंट्स पे आप जजमेंट नोट फरमाएं, AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 473 एंड 475 पेजेस है। अच्छा, क्राइटेरियन एक ही है, हक के हिफाजत खुद इख्तियारी के इस्तेमाल में हक बजानब था, जस्टिफाइड था या नहीं था, तो क्राइटेरियन एक ही है, खतरा, डेंजर। जो ही है एक रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ डेंजर होगा, उसी वक्त राइट पैदा होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये डेंजर वाकई इतना था या नहीं था, तो फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, हालातों वाकयात से पता चलेगा कि वेदर ही वॉज जस्टिफाइड और नॉट। इस पे आप जजमेंट नोट फरमाएं, AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 473। अब एक मुकदमा के फैक्ट्स में आपके सामने मुख्तसरन रखता हूं कि बड़ा थ्रेटनिंग एटीट्यूड, वायलेंट एटीट्यूड, धमकियां मेज और वायलेंट एटीट्यूड मुलजिम का।
अब जिसके खिलाफ वो वायलेंस और वो थ्रेटनिंग रवैया एटीट्यूड सामने आ रहे हैं, तो उसके दिल में क्या पैदा हो सकता है? उसके दिल में खतरा पैदा होगा कि उसकी जान जा सकती है, उसको कत्ल किया जा सकता है या शदीद जरम लगाई जा सकती है। तो अगर वो उसको काउंटर किया तो वो ही वॉज जस्टिफाइड बिकॉज ही वॉज एप्रिहेंडिंग डेंजर टू हिज लाइफ। सो दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट पेज 165। अच्छा जी, एक मोटी सी बात, खतरा खत्म, हक की हिफाजत है, खुद इख्तियारी खत्म। अब उस तरह से देख ले कि जो ही खतरा पैदा हुआ उसी वक्त राइट पैदा हो गया, जो ही खतरा का एप्रिहेंशन खदशा खत्म हो गया उसी वक्त ये राइट खत्म। जब तक खतरा का खदशा एप्रिहेंशन ऑफ डेंजर मौजूद रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तब तक ये राइट भी मौजूद रहेगा, और जो ही खत्म होगा उसी वक्त हक की हिफाजत खुद इख्तियारी इस्तेमाल करने का हक भी खत्म हो जाए। तो इस पे आप जजमेंट नोट फरमाए, AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 473। वो जो मैंने बात की कि इट इज ऑलवेज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी हालातों वाकयात से पता चलेगा कि ये जस्टिफाइड था नहीं था, खतरा जस्टिफाइड है माकूल था नहीं था, इट वुड बी ऑलवेज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इस पे जजमेंट नोट कर लें। 1968/34 CUT.LT1107। अब दो केसेस मैं ऐसे आपके सामने बयान करूंगा कि जिनमें अदालत ने करार दिया कि खतरा खत्म हो चुका था और इस आदमी ने हक हिफाजत खुद इख्तियारी के इस्तेमाल में एक्सीड किया, तजावज किया। लिसन, जब तजावज हो गया तो फिर ये हक नहीं रहा, फिर ये जुर्म किया, फिर सजा मिलेगी, एक्सीड नहीं कर सकते। अब केस के मुख्तसरन फैक्ट्स इस तरह थे कि एसेलांट जो था हमलावर, जब उसको काबू कर लिया गया, उसको गैर मुसल्ला कर दिया गया, उसको नीचे गिरा दिया गया, अब क्या हो गया? वो खतरा जो उससे जान को पैदा हुआ था वो खत्म हो गया। अब अगर उसको मारा गया या उस पर अटैक किया गया, जख्मी किया गया, तो फिर ये तजावज किया गया, तो फिर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी सेक्शन 102 की। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट पेज 1570। और एक और मुकदमा, लड़ाई फील्ड में हुई, खेतों में, जो मकतूल है वो खेतों से अपने गांव घर आ गया, घर में उसको, घर में या घर के पास उसको कत्ल कर दिया गया। अब लड़ाई तो हुई थी खेतों में, बाद में वो जब शाम को घर आ गया तो वहां पे जब उसको कत्ल किया गया, तो कातिल, कत्ल करने वाला शख्स ये प्ली नहीं ले सकता कि उसने हक हिफाजत खुद इख्तियार इस्तेमाल की। वो डेंजर वहां था, वहां पैदा हुआ था, वहां खत्म हो गया, लिहाजा हक हिफाजत खुद इख्तियारी की प्ली जस्टिफाइड नहीं, तजावज किया। सो दिस इज रिपोर्टेड एज 1956 मध्य प्रदेश BLJ 500। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह नेगेबा।